नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आई है इस बार सीआरपीएफ की तरफ से, और इसमें उन बच्चों के लिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो टाइपिंग की लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, उनके लिए वर्ष 2023 आने वाला जो है, और 2022 कहीं ना कहीं अच्छा रहा ही है, तो ये दोनों ही वर्ष बहुत बेहतरीन साबित होने वाले हैं, साबित हुए भी हैं, और लगातार इसमें बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी टाइपिंग की आई है। एक बार फिर से सीआरपीएफ में लगभग 1400 पद 1458 पद लगभग, जिसमें आपका स्टेनो का और मिनिस्टीरियल का, हेड कांस्टेबल का आया हुआ है सीआरपीएफ से। बहुत ही बेहतरीन पद हैं इसमें, बहुत ही आसान है इस एग्जाम को निकालना। इस परीक्षा से संबंधित सारी ही जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो उसे लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद भी वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। हालांकि इस पूरी वीडियो में मैं आपको कोई भी ऐसा डाउट दिमाग में छोड़ूंगा नहीं, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो देखा जाए तो सीआरपीएफ का ये पद है, एक एएसआई स्टेनो का है, ठीक है ना, स्टेनो होते हैं, और दूसरा होता है मिनिस्टीरियल। इसमें जो एज है मैं पहले बता दूं, 18 से 25 साल वाले बच्चे इसमें भर सकते हैं, और जो क्वालिफिकेशन है वो 12th तक की हो सकती है, इसे आप समझिएगा। बाकी जो उसका पे मैट्रिक्स है वो 29,200 से 92,300, इसमें आपका एएसआई स्टेनो वालों का है, और 25,500 से 81,100 ये किनका है, ये मिनिस्टीरियल वालों का है, हेड कांस्टेबल वालों का। एज मैंने 18 से 25 बता दिया, जो लास्ट एज का काउंट है वो 25/1/2023 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये इसका क्या है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वहां तक इसने बोला है। 4 जनवरी से इसका फॉर्म भरना शुरुआत होगा, और अगर हम इसके बारे में अन्य जानकारी देखें तो कौन बच्चे इसे फॉर्म भर सकते हैं, तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये केवल 12th मांगा है या उसके इक्विवेलेंट मांगा है। इसने बस एक बात लिखी है कि 2 या 3 साल का ऐसा डिप्लोमा जो 10th के बाद होता है वो एलिजिबल नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि 12th आपका होना ही चाहिए मिनिमम, ये आपसे बोला गया है, उसके इक्विवेलेंट नहीं माना गया है। स्कीम ऑफ द जो एग्जामिनेशन है, इसमें पहला आपका रिटन होगा जो कंप्यूटर ऑनलाइन पेपर होगा, उसके बाद आपको स्किल के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में कोई रेस वगैरह नहीं है, केवल आपका जैसे चेस्ट का है, हाइट का है, बस रेस वगैरह इसमें नहीं है, ये दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि जो भी ऐसे क्लरिकल या टाइपिंग पोस्ट होते हैं, हालांकि इसमें जो एक स्टेनो का है वो कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद का है, और दूसरा जो है वो हेड कांस्टेबल पद का है, तो क्लरिकल तो उसे नहीं बोल सकते हैं एएसआई वालों को, स्टेनो वालों को, बट फिर भी जो टाइपिंग वाले पोस्ट होते हैं उसमें कभी भी फिजिकल दौड़ भाग का नहीं करवाते हैं। इसके बाद बाकी जो सब में प्रक्रिया होती है डीवी और मेडिकल, वो सब में जैसा होता है वैसा होगा ही होगा। इसमें अगर हम पूछे कि सीबीटी में एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो इसमें 4 सेक्शन आपके पूछे जाएंगे, 4 सेक्शन 25-25-25-25 क्वेश्चन के होंगे, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 100 ही नंबर का होगा, 0.25 आपकी निगेटिव होगी। हाँ, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो पेपर का कुल टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटा मिलेगा आपके। इसमें सबसे अच्छी बात है कि भाषा आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हो, जैसे एसएससी जीडी में होता है उसी प्रकार 25 क्वेश्चन आप चाहो हिंदी वाले सॉल्व कर लो, 25 क्वेश्चन चाहो आप इंग्लिश वाले कर लो, वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, ऑप्शनल है। तो हिंदी भाषी जो क्षेत्र के बच्चे उनके लिए भी आसान हो गया, इंग्लिश भाषी क्षेत्र के जो बच्चे उनके लिए भी आसान हो गया। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये वाला जो पार्ट है इसमें तो मैक्सिमम बच्चे स्कोर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो जिसमें सुविधाजनक समझेगा वो उसी पद को लेगा, उसी पद को लेगा, इस बात को समझिएगा। तो यहां पे मान के चलिए कि अगर 25 है तो 20 प्लस मैक्सिमम बच्चे इसमें स्कोर करेंगे ही करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे तो भी स्कोर कर ले जाएंगे, हिंदी वाले तो भी करेंगे। पेपर बहुत टफ नहीं आता है, पेपर इसका आसान आता है, सीआरपीएफ वाले जितने भी पेपर होते हैं ये सब एसएससी पैटर्न पे होते हैं, लेकिन फिर भी उससे जो लेवल होता है वो आसान होता है, ये बात समझिएगा। फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड है, ये इस बार नया किया गया है। जनरल एप्टीट्यूड को आप रीजनिंग और मैथ से अभी अभी थोड़ी देर के लिए मत करिएगा, क्योंकि मैथ के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला गया है और रीजनिंग के लिए जनरल इंटेलिजेंस बोला गया है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो जनरल एप्टीट्यूड है ये इस बार थोड़ा सा इसमें अलग अलग कुछ लेके आया गया है। अब ये क्या है इसकी डिटेल मैं आपको बाद में दे दूंगा। इसमें हो सकता है रीजनिंग के, मैथ्स के, और जो आपके अभिरुचि वाले क्वेश्चन होते हैं, जो पुलिस से संबंधित या फिर ऐसे आर्मी से संबंधित वाले प्रश्न होते हैं, वो इनमें हो सकता है। उसके बारे में मैं आपको आगे अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। बाकी रीजनिंग में कॉमन सी रीजनिंग पूछता है, मैथ्स में कॉमन अरिथमेटिक
और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछता, बेसिक बेसिक पूछता है, ये आपके हैं। तो मैथ्स में भी बच्चे स्कोर 20 प्लस करेंगे, इसमें आपके 22 प्लस स्कोर करेंगे। इसका अभी ये है, इसका मतलब अगर चारों को ही मिला लो तो ऑन एवरेज 80 स्कोर बच्चे इस 100 क्वेश्चन में करेंगे नेगेटिव होने के बावजूद भी। कहने का मतलब ऑल ओवर इंडिया में 1500 पद है, तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, इसको पहले से लेके चलो। बाकी कट ऑफ की प्रोडक्शन आज नहीं कर सकते हैं, जब पेपर हो जाएगा तभी कर सकते हैं। टाइम आपका टोटल 90 मिनट मिला है, नेगेटिव है 0.25 है, 1/4 की नेगेटिव है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। स्किल टेस्ट पे थोड़ा विशेष आप ध्यान दीजिए, दो टाइप के पोस्ट है, एक आपका स्टेनो का है, एक आपका हेड कॉन्स्टेबल जिसमें केवल टाइपिंग है। तो जो स्टेनो वाले हैं उन्हें 800 वर्ड लगभग बोले जाएंगे, 10 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, टोटल 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट तक बोले जाएंगे, 800 वर्ड उन्हें बोले जाएंगे। अब उस 800 वर्ड को सबसे पहले उन्हें अपने लैंग्वेज में स्टेनो में क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉपी में करना पड़ेगा जो डिक्टेशन होगा, फिर उन्हें जाके कंप्यूटर पे जो वहां पे आपको कीबोर्ड दिया जाएगा उस पे आपको टाइप करना रहेगा। टाइपिंग के लिए पर्याप्त समय देंगे 50 मिनट, लेकिन हिंदी वालों को कम से कम हिंदी टाइपिंग तो आनी चाहिए, वहां पे कोई और टूल यूज नहीं होगा, आपको हिंदी में ही टाइप करना पड़ेगा, और इंग्लिश वाले तो किसी में भी टाइप कर सकते हैं, बट हिंदी वालों को आपको वहां पे मंगल फॉन्ट आपके लिए भी मिलेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। हालांकि टाइम बाउंड आपके लिए नहीं है, 50 मिनट आपको मिलेगा, बट टाइपिंग आना अनिवार्य है। 50 मिनट में आपने जो डिक्टेशन बोला गया है, जो आपने लिखा है, वो 800 वर्ड आपने लिखा है, उसको आपको ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा, किस पे, कंप्यूटर पे। हिंदी वाले हिंदी में करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे, ऑप्शनल है, दोनों नहीं करना है, दोनों में से केवल एक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है, टाइपिंग भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों है, लेकिन किसी एक को ही आपको सॉरी करना है, दोनों नहीं करना है। आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी करना है, इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश ही करना है। इंग्लिश वाले को 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड लानी होगी और हिंदी वाले को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड वहां पे लानी होगी। दोनों के लिए जो फॉन्ट है वो मंगल फॉन्ट है रेमिंगटन गिल पे, ये बात आप समझते हुए चलिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत ज्यादा जो जरूरी है वो है टाइपिंग एरर। आपको केवल 5% टाइपिंग एरर अलाउ किया गया है, इससे ज्यादा आपको लिए टाइपिंग एरर अलाउ नहीं किया गया है। अगर आप स्टेनो का पेपर दे रहे हो और 5% टाइपिंग से 5% से ज्यादा एरर कर देते हो, मतलब 800 वर्ड आपको डिक्टेट किए गए हैं, 800 वर्ड आपने लिखा है, उसके बाद आपने उसे क्या किया, टाइप किया, टाइप करने के बाद अगर कहीं आपसे उसमें से 8×5=40 मतलब 40 वर्ड से ज्यादा गलत हो जाते हैं तो आप स्टेनो में फेल हो जाओगे। लेकिन जब आप टाइपिंग करोगे तो टाइपिंग में इसका एक अलग फॉर्मूला है, उसने बोला है कि 5% तक तो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 5% के बाद अगर एक भी गलती हो गई तो आपका ये क्या कर देंगे, तुरंत ही 10 वर्ड वहां से डिलीट कर देंगे, एक गलती पे 5% के बाद, मतलब 5% अलाउड है और उसके बाद आफ्टर 5% एक गलती पे 10 वर्ड क्या कर देंगे, वो माइनस कर देंगे। अब आपके पास जो वर्ड बचा है, सपोज करो आपको 300 वर्ड का एक पैरा मिला, 300 वर्ड का पैरा मिला और आप इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग कर रहे हो, तो आपको जो स्पीड 30 की दिखानी है, मतलब आपने सपोज करो कि 10 मिनट में टाइपिंग किया तो 300 वर्ड आप टाइप किए, या 10 मिनट में कर दो या 5 मिनट में कर लो, 5 मिनट ले लो, डबल लेके चलो, अगर 5 मिनट में आपने कितना टाइप किया, 300 वर्ड टाइप किया, तो ऐसे में आपकी स्पीड लगभग इस हिसाब से काउंट किया जाएगा तो 60 की आएगी। तो वो बोल रहा है कि पहले तो 5% अलाउड है, लेकिन 5% के बाद एक भी एरर हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, 10 वर्ड डिडक्ट हो जाएगा। अब मान के चलो कि आपने इस 300 वर्ड का 5% मतलब 15 वर्ड तो आपने वैसे ही क्या कर दिया है, इसमें गलत कर दिया है। अब 15 के बाद अगर 16वां वर्ड गलत करोगे तो तुरंत ही आपके 10 वर्ड माइनस हो जाएंगे, मतलब ये 15 तो आपने गलत किया, 10 और मतलब कि 25 वर्ड इस 300 में से माइनस हो जाएंगे, बचेंगे 275 वर्ड। दूसरी गलती फिर करोगे, फिर आपके यहां पे 10 वर्ड माइनस हो जाएंगे, बचेंगे 265, और ऐसे ऐसे करके आपकी क्या होगी, यहां पे मार्किंग की जाएगी। तो यहां पे टाइपिंग थोड़ी सी इस वजह से थोड़ी सी टफ हो जाती है, हालांकि वो पर्याप्त वर्ड देंगे आपको, ऐसा नहीं है कि अगर आपको 5 मिनट की टाइपिंग के लिए केवल दिए, 10 मिनट की टाइपिंग के लिए दिए तो उतना ही वर्ड करवाएं, वो पर्याप्त वर्ड देंगे ताकि आपका एक दो एरर हो तो 5-6 एरर के बाद भी 50-60 वर्ड हटाने के बाद भी आपकी नेट स्पीड आ जाए, क्योंकि नेट स्पीड जो निकालेंगे वो टोटल वर्ड जितना आपका है माइनस कितना करेंगे, जो डिड्यूस्ड वर्ड है एरर से माइनस करके, जो वर्ड आपका नेट वर्ड बचेगा उसको क्या कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे जितना टाइम आपने लिया है, और ये आपकी क्या आ जाएगी स्पीड। इतना करने के बाद अगर हिंदी में आपकी 30 आती है तो आप पास हो, अगर आपकी 35 इंग्लिश में आती है तो आप पास हो, अन्यथा क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ये टाइपिंग का स्कीम है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। बाकी
और मैंने इसको आपको बता ही दिया कि अगर स्टेनो में कर लो 5% से एक भी वर्ड अगर आपने ज्यादा गलत कर दिया तो क्या कर दिए जाओगे, फेल कर दिए जाओगे। स्किल टेस्ट के बाद आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल में जो जनरल ओबीसी और एससी बॉयज है उनके लिए क्या है 165 हाइट दिया गया, नहीं जनरल के लिए यहां पे 165 है और बाकी जो एसटी है उनके लिए 162.5, ये ध्यान दीजिएगा। जनरल ओबीसी एससी का 165 है, जो सीने की चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है, मतलब बिना फुलाए 77 और एक्सपेंड करने के बाद 82 होना चाहिए। लड़कियों का कोई सीने की चौड़ाई नहीं मापी जाती है। फीमेल में जो जनरल ओबीसी और एससी है उनका 155 मांगा गया है, बाकी जो एसटी है या कुछ और भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनका केवल 150 मांगा गया है, इनके लिए चेस्ट कुछ नहीं माना जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो फिजिकल भी कोई इतना नहीं है, बस एक बार आप हाइट देख लीजिएगा कि इतने हो कि नहीं हो, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन एज पर गाइडेंस ही गाइडलाइंस ही होता है, ये बात आप समझिएगा। तो ये आपका रहा है कि एक बहुत अच्छा अवसर आपके सामने फिर से आया है और इसकी आपको तैयारी शुरू भी कर देनी चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि आपको देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ पोर्शन आपके तो बहुत ही आसान है। जैसे अगर मैं बात करूं हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों ये आपका विषय है, इसे आप कर सकते हो। मैथ्स आपकी आसान आती है, रीजनिंग आप स्कोर कर लोगे, और एक आपका जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड है, इस चीज को मैं अच्छे से बता दूंगा। बाकी इस परीक्षा से संबंधित कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, सब कुछ के लिए मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, पूरी रणनीति की वीडियो लेके आऊंगा, क्या किताबें होनी चाहिए, क्या कट ऑफ जाएगा इसका, कैसे हर बार इसकी परीक्षा होती है या पहली बार हो रही है तो किस प्रकार से होगी, इन तमाम चीजों की जानकारी मैं लेके एक बार पुनः आप सबके सामने आऊंगा। लेकिन ऐसी वीडियो देखने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद सभी का।